गजाननम भूतगणादि सेवितम कफित जम्भू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम सदा भवानी दाहिने उर सन्मुख रहे गणेश पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु सरस्वती माता तो है बीनो विद्या दीजो मोय कंठ कोकिला हरि बसे नित उठ ध्यान तो प्रथम नमो गुरु आ दूजा देव गणेश हरिओम हरिओम तीजा सुमरा तीन जना सुब्रह्मा विष्णु महेश हरिओम सिंगा जी जगत मा जीवता उर सेवक सुमरे पास अर्जन कारण तन धारिया सो ब्रह्म ज्योति प्रकाश अरे सिंगा गुरु को प्रणाम करूं और पल पल में कई बार कागा से हंसा किया उर करत न लागी सदगुरु महाराज की जय गुरु सिंगा जी महाराज की जय अखिल ब्रह्मांड अधिनायक परात्पर परमात्मा श्री राधा माधव श्री सीताराम जी महाराज के श्री चरणों में हमारा प्रणाम दृश्य एवं अदृश्य रूप से विराजमान धर्म नगरी सेल्दा में विराजमान देवी देवताओं को हमारा प्रणाम सिद्धगुरु सिंगा जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम भीलट बाबा सत्यवादी वीर तेजा जी महाराज हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन सभी अपनी अपनी शक्ति लेकर के आए और हमें अपनी शक्ति प्रदान करें समस्त विप्र देवता भू देवता ब्राह्मण देवताओं को नमन संगीतकार भाई धर्म प्रेमी जनता भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों और प्यारे बच्चों आप और हम सभी के हृदय में विराजमान भगवान श्री सिंगा जी महाराज को हमारा प्रणाम आइए भाव से हम गुरु सामर्थ का ध्यान कर लेते हैं पांच दिनों से लगातार हम कथा को श्रवण करते आ रहे हैं और यह पांच दिन कब निकल गए हमें पता नहीं चला क्योंकि प्रसन्नता के दिन कब निकल जाए मनुष्य को पता नहीं चलता है तो आइए भाव से गाते हैं मन वाणी हृदय को पवित्र करते हुए ताली बजाते हुए सभी गुरु महाराज का स्वागत करें क्योंकि संसार में ताली भी अनेक प्रकार की होती है
एक ताली तब बजती है जब किसी माँ का लाल बहुत रोता है, तो माँ अपने बेटे को चुप करने के लिए ताली बजाती है। दूसरी ताली किसान बजाता है अपने खेत में, जब पक्षी आते हैं फसल को खाते हैं तो किसान भी ताली बजाता है। तीसरी ताली वहां बजती है जब कोई नेताजी आते हैं, भाषण देते हैं। नेताजी का भाषण अच्छा लगा या नहीं लगा, फिर भी हम सभी वहां ताली बजाते हैं। चौथी ताली वहां बजती है जब कोई गिर जाए, तो किसी का मजाक उड़ाने के लिए भी लोग ताली बजाते हैं। पर हमारे संत कहते हैं, भैया जगत की जितनी ताली है वह सब खाली है, यह काम में आने वाली ताली नहीं है। केवल काम में आने वाली तो वही है जो राम नाम के कीर्तन में बजाई है। अरे राम नाम सुंदर करता री संशय विहंग उड़ावन हारी। जो पांचवी ताली है भगवान के भजन कीर्तन में बजती है, केवल वही काम की है। वैसे भी हमने कितनी श्वास संसार के व्यवहार में मनोरंजन में गवा देते हैं, पर यह सब श्वास खाली चली गई है। जो श्वास हमने भगवान के भजन में, भगवान के कथा पंडाल में ली है, वही श्वास भगवान की डायरी में अमर हो जाती है। और वह हमें इस जन्म में भी मिलती है और जन्म जन्मांतर तक मिलती रहती है। आइए भाव से गाते हैं। हो समरथ लगा तुम्हारा पार, सिंगाजी लगा तुम्हारा पार, 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 सतगुरु श्री चरणन कमाए, समरथ लगा तुम्हारा पाए, सतगुरु श्री चरणों कमाए, समरथ लगा तुम्हारा पाए। भाव से गाइए ताली बजाते हुए। जय हो लगा तुम्हारा पार, हो गुरु निभा मगड़ माए,
गुरु सिंगा जी महाराज की जय। कल तक की वाणी में आप सभी ने श्रवण किया, समर्थ सिंगा जी महाराज ने बड़े बड़े परिचय इस संसार को दे कर गए हैं। समर्थ सिंगा जी महाराज ने ऐसी अनन्य लीलाएं करी कि संसार भी जिनकी जय जयकार करता है। मात्र 40 वर्ष की आयु में अपनी भक्ति का ऐसा झंडा फहरा करके गए हैं सिंगा जी महाराज, इसी अलख जगा करके गए हैं कि जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा सिंगा जी महाराज का नाम इस संसार में अमर रहेगा। मेरे भाई बहनों, सिंगा जी महाराज हमें भक्ति के ज्ञान दे करके गए हैं, क्योंकि इस संसार में कल्याण के तीन मार्ग हमारे संतों ने बताए हैं। पहला है ज्ञान मार्ग, दूसरा है कर्म मार्ग और तीसरा है भक्ति मार्ग। पर हमारे संत कहते हैं कि ज्ञान मार्ग से भी भगवान नहीं मिलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत नियम होते हैं और जिसका पालन हर कोई नहीं कर सकता है। योग मार्ग के ज्ञान मार्ग के अनेक नियम है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जिसे केवल योगी या ज्ञानी ही समझ सकता है, पर हमारे जैसे साधारण लोग उन्हें नहीं समझ सकते हैं। और ज्ञान भी मोक्ष नहीं दे सकता, कोई कितना ही ज्ञानी हो जाए, पर केवल ज्ञान के द्वारा उसे मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञानी को अभिमान आ जाता है और जहां अभिमान आता है वहां भगवान और गुरु कभी नहीं आते हैं। भगवान तो वहीं पर रिझते हैं, गुरु तो वहीं पर रिझते हैं जहां पर जीव सरल होता है। जिसे भी अभिमान आ जाए उसका पतन निश्चित हो जाता है। और ज्ञानी को बड़ा अभिमान होता है कि भगवान के पास जाने के लिए जितनी सीढ़ियां हैं
मैं उनको स्वयं चढ़ करके भगवान से मिलने चला जाऊंगा। पर जो भक्त होता है उसे अभिमान नहीं होता, भक्त तो बड़ा सरल हृदय का होता है, बड़ा करुणा से भरा रहता है। वह भक्त अभिमान नहीं करता और वही भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, हे मेरे दाता, हे मेरे मालिक, तेरी इस भक्त में इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि यह इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ करके तेरे पास आ सके। तो भगवान भी अपने भक्त पर रीत जाता है और कहता है, हे मेरे भक्त, तुझे इतनी सीढ़ियां चढ़ने का कष्ट नहीं करना है, तेरा भगवान तेरे लिए सीढ़ियां उतर करके तुझे लेने के लिए आ जाएगा। तो संसार में भक्ति सबसे बड़ी बताई गई है, इसीलिए तो हमारे सिंगाजी महाराज ने भी अपनी वाणी में कहा है, भजन है तीन लोक से बड़ा। संसार में भजन ही है, भक्ति ही है, तीन लोक के सबसे सुख जितने भी है, इन समस्त सुखों से बड़ा सुख भक्ति का सुख है। और एक बार जिसे भक्ति का सुख लग जाए वह फिर छूटता नहीं है। संसार में जाम तो अनेक प्रकार के होते हैं, जाम पर जाम पियोगे, सुबह पियोगे, शाम को उतर जाएगी। अगर पीना है तो हरि नाम का प्याला पी ले रे पगले, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। प्याले तो अनेक प्रकार के होते हैं जिनका नशा उतरते देर नहीं लगती है, पर जिसे भक्ति का नशा लग जाए वह नशा फिर उतरने वाला नहीं है। यह नशा लगा है हमारे सिंगाजी महाराज को, यह नशा लगा है मीराबाई को, यह नशा लगा है कबीर दास को। इन्होंने भक्ति का नशा किया है। यह सांसारिक नशे से क्या होता है? यह सांसारिक नशे तो जवानी में ही बुढ़ापा ला देते हैं और बसा बसाया घर उजड़ जाता है। तो अगर नशा करना है तो भक्ति का नशा करना चाहिए। हमारे सिंगाजी महाराज ने भगवान से क्या मांगा है? भगवान तो स्वयं प्रकट हुए थे, मांगो सिंगा, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं। आज तू जो मांगेगा है भक्त, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। पर सिंगाजी महाराज ने सांसारिक कचरा कहां मांगा? प्रभु मुझे सांसारिक कचरा नहीं चाहिए, धन दारा सुत नहीं चाहिए, यह तो हर जन्म में मिलता है, हर योनि में मिलता है, पर अब मुझे कोई ऐसा दान कीजिए जो किसी बिरले भक्त को ही मिलता है। मुझे भक्ति का दान कर दीजिए, भक्ति दान मोहे दीजिए, देवन के हो देवा, भक्ति दान मोहे दीजिए, करु संत की सेवा, भक्ति दान मोहे दीजिए, नहीं मांगू धन संपदा, सुंदर वर नारी, स्वप्न में भी मांगू नहीं मोहे आन तुम्हारी। तो सिंगाजी महाराज ने भगवान से भक्ति मांगी है और क्या कहा है कि हे भैया, इस संसार में भजन के बिना शरीर वैसे ही सूना होता है जैसे नमक के बिना 56 भोग अधूरे दिखाई देते हैं। बिना नमक की दाल अलोनी, काया नहीं रे सुहानी, भजन बिना बिना नमक की दाल अलोनी। इसी प्रकार से हमारी काया भी भजन के बिना, भक्ति के बिना अधूरी ही होती है। वही बात जो शास्त्रों में कही गई है, गीता में, भागवत में, रामायण में कही गई, सिंगाजी महाराज अपने निमाड़ी भाषा में कह करके गए। स्वयं महादेव ने रामायण में कहा है, हो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना,
प्रतिकाल न साधन दूजा। मेरे भाई बहनों, इसी प्रकार से हमारे संतों ने बताया कि भक्ति सबसे बड़ी है। इस संसार में भक्ति ही हमें भव से पार लगा सकती है। इसीलिए तो बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवान से भक्ति मांगी है। सिंगाजी महाराज ने भगवान से भक्ति मांगी है। कागभूषणी जी ने भगवान से भक्ति मांगी है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने शाश्वत स्वरूप में प्रकट होकर कहा कि मांग है काग, तुझे क्या चाहिए, तो उस कागभूषणी जी ने क्या मांगा था? प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल भक्ति का दान कर दीजिए। हो काग तू मांग रे, मांग तेरो अनुराग मेरे मन भायो। बड़े बड़े संत भक्तों ने भगवान से भक्ति मांगी है। और यही पर समर्थ सिंगाजी महाराज भी भक्ति की ज्योत इस संसार में जगा करके गए हैं। कल की वाणी में आप सभी ने श्रवण किया था, समर्थ सिंगाजी महाराज जिन्होंने मात्र 40 वर्ष की आयु में समाधि ले ली थी, आज हमारे बीच में मल्हारगढ़ से हमारे भाई लोग पधारे खालवा के पास से, उनका ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन करें। जिनके यहाँ पर हमारे द्वारा भागवत कथा हुई थी, बहुत भव्य आयोजन हुआ था, हमारे सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करें। प्रकार से समर्थ सिंगाजी महाराज ने समाधि ली, घर के लोग करुणा करने लगे, अश्रु धारा बहाने लगे। यशोदा माता रो रही है, रोवे नारी पटके शीश, तू क्यों रूठ्यो म्हारा श्री जगदीश। नारायण स्वामी जैसा ब्रह्म ज्ञानी भी आज रो रहा है। कितने बड़े ब्रह्म ज्ञानी संत थे नारायण स्वामी, आज उनके नेत्रों से भी अश्रु धारा बह रही है, करुणा हो रही है। हर किसी की आंख में अश्रु धारा है। यह नारायण स्वामी का जन्म कैसे हुआ था? यह सिंगाजी महाराज के शिष्य कैसे बन गए? कल की वाणी में आपने सुना था कि यही 5 वर्ष के नारायण स्वामी ने उस 5 वर्ष के सोना बाई के लाल को जीवन दान दे दिया था। यह बालक, यह नारायण स्वामी सिंगाजी महाराज का शिष्य कैसे बन गया? एक समय जब सिंगाजी महाराज अपनी कुटिया का निर्माण कर रहे थे, तो आप सभी ने सुना था कि उनके हाथ से केचुआ कट गया। वह केचुआ तो खेमदास बन गया।
फिर उन्होंने उस स्थान पर कभी मड़ी का चयन नहीं किया, कभी मड़ी का निर्माण नहीं किया। पर शिष्य लोग कहते हैं, गुरु महाराज हमें आज्ञा दीजिए, हम आपके लिए मड़ी बनाएंगे। उस समय गुरु महाराज ने उन्हें बहुत रोका, पर वह शिष्य लोग नहीं माने। तो उसी समय गुरु महाराज की कृपा होती है, जब शिष्य लोग उस मड़ी का निर्माण करने लगे तो उनके हाथ से एक कणा कट जाता है। जब कणा कटा तो उनके हाथ पांव कांपने लगे, अश्रुधारा बहने लगी और हृदय कंपायमान हो गया। अब कैसे रक्षा होगी, अब कौन इस बोलिए सदगुरु महाराज की जय, गुरु सिंगा जी महाराज की जय। तो यही इन शिष्य गणों के हाथ से जब कणा कट गया, दो भागों में बट गया, तो शिष्य घबराने लगे और गुरु सामरत के पास जाते हैं और कहने लगे, हे गुरु सामरत, आपने आपके हाथ से जो गिंदोला कट गया था वह खेमदास बन गया, पर कृपा करके यह भी तो बताइए, हमारे हाथ से जो कणा कट गया इसका उद्धार कैसे होगा और कहां होगा। गुरु महाराज ने कहा, भैया इसका भी उद्धार होगा। गुरु महाराज ने दिन तिथि तारीख समय सभी लिख कर दे दिया कि इस दिन होगा,
एक राजपूत समाज की महिला होगी जो 60 वर्ष की होगी। उसके गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म होगा। एक का नाम नारायण दास होगा और एक का नाम कल्याण दास होगा। अब गुरु महाराज ने लिख करके दे दिया, तारीख दे दी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वही सुंदर बाई सिंगा जी महाराज की शरण में आई। हे गुरु महाराज, मेरे घर कोई संतान नहीं है, अगर आपकी कृपा से मेरे घर 2 पुत्रों का जन्म हुआ तो एक पुत्र मैं अपने पास रख लूंगी और दूसरा पुत्र मैं आपको दान में दे दूंगी। तो नारायण दास तो बड़ा स्वस्थ था, बड़ा सुंदर था, बड़ा विद्वान था, पर कल्याण दास एक आंख से काना था। तो उसी सुंदर भाई के मन में खोट आ गया कि अच्छा बालक मैं रख लेती हूँ और काना बालक दे आती हूँ गुरु महाराज को। भगवान ने अच्छा दिया, पर आज काना बालक यही सुंदर बाई गुरु महाराज को दान करना चाहती है और सुंदर बालक नारायण दास अपने पास रखना चाहती है। गुरु महाराज की ऐसी कृपा होती है कि काना कल्याण दास तो घर में रह गया, पर वही आज वही नारायण दास सिंगा जी महाराज के पास पहुंच जाता है। यह गुरु की कृपा है। मेरे भाई बहनों, मनुष्य बड़ा स्वार्थी होता है। भगवान हमें सब कुछ अच्छा देता, पर उसे देने में हम हाथ पीछे करते हैं। अगर हमारे घर में भेस किसी पाड़े या पाड़ी को जन्म दे दे तो माताएं कहती है ना कि जा बेटा, पहले दिन का दूध तो हनुमान जी को चढ़ा करा जा, दूसरे दिन का दूध जा हमारे गांव के दाना बाबा को चढ़ा करा जा, तीसरे दिन का दूध जा नर्मदा मैया को चढ़ा कर आ जा। बेटा कहता, माँ पहले दिन का दूध, दूसरे दिन का दूध जब हम नहीं खा सकते तो फिर दाना बाबा हनुमान जी और नर्मदा मैया कैसे पी सकते हैं। तो माँ कहती है, हे मेरे लाल, जब दूध फटना बंद हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, तो हम फटकारेंगे कि हनुमान जी को पिलाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। तो आज उसी सुंदर बाई के मन में खोट आया, पर गुरु सामर्थ की कृपा से कल्याण दास काना बालक उसी के पास रह गया और नारायण स्वामी ब्रह्म ज्ञानी बालक सिंगा जी महाराज के पास चला गया। आज वह नारायण दास भी रो रहा है, करुणा कर रहा है, यशोदा माता भी रो रही है, पर यहाँ पर सिंगा जी महाराज की जो बहन है जिसका नाम है कृष्णा बाई, आज वह रोती नहीं है। उसकी आंख में एक भी अश्रु धारा नहीं है। तो गांव की नारियां इकट्ठी हुई और उसी कृष्णा बाई को ताना मारती है कि यह बहन कितनी कठोर है। अरे भाई चला गया, पर बहन की आंख में एक अश्रु धारा भी नहीं है। आज कृष्णा बाई कहती कि बहनों, रोया उसके लिए जाता है जो शरीर मर जाता है, जो जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है, उसके लिए लोग रोते हैं। पर आज मेरे भाई का निर्वाण हो गया, वह तो मोक्ष के द्वार पर चला गया। जिसे मोक्ष मिल गया हो, जिसे निर्वाण मिल गया हो, उसके लिए रोने की क्या आवश्यकता है। जब आत्मा रूपी तत्व इस परमात्मा से निकलता है, जब इस शरीर से निकल करके उस परमात्मा में विलीन होता है, तो इस शरीर के अंदर, इस शरीर रूपी बंगले में 10 द्वार होते हैं और यह आत्मा इन 10 द्वारों में से एक द्वार का चयन करती है। अगर अच्छे कर्म हैं तो नीचे, अगर अच्छे कर्म है तो हमारे मुख के द्वारा, हमारी आंखों के द्वारा यह आत्मा निकल जाती है, और अगर कर्म अच्छे नहीं है तो ऊपर के स्थान का चयन नहीं करती है आत्मा। आज सिंगा जी महाराज जब यह आत्मा परमात्मा में विलीन होती है,
तो इस शरीर रूपी बंगले के 10 द्वार है पर 10 दरवाजे बंद है। फिर भी ना जाने कौन सा द्वार खुला रह गया और यह आत्मा रूपी तत्व उस परमात्मा में विलीन हो गया। रोना किसके लिए है? आज मेरा भाई तो ज्योत में ज्योत समा गया, मोक्ष का द्वार जिसे मिल गया, निर्वाण जिसका हो गया, उसके लिए रोने की कोई आवश्यकता नहीं। कृष्णा बाई सभी को ब्रह्म ज्ञान की बातें कहती है। हो माछा माया रो रे की बंधु जासे की नी बाट माझा माया रो रे बंधु जासे की नी बाट हो माझा माया रो रे बंधु जासे की नी बाट हो माझा माया रो रे बंधु जासे की नी बाट हो बंधु जासे की नी बाट बीरो मर जासे की नी का दस दरवाजा दस का ताला खोल
प्रकार से आज कृष्णा बाई सभी से ब्रह्म ज्ञान की बात करती है। बाद में नगर के पूर्व दिशा की ओर गुरु साम्रत सिंगाची महाराज की समाधि दी जाती है। इस संसार में दूल्हा तो बहुत लोग बनते हैं, पर वह सांसारिक दूल्हा बनते हैं, पर सिंगाजी महाराज आज निर्वाण का दूल्हा बन गए हैं। सेहरा तो हर कोई अपने माथे पर बांध लेता है, पर सिंगाजी महाराज ने सेहरा बांधा पगड़ी बांधी तो गुरु भक्ति की पगड़ी बांधी है। हमारे संत अपनी वाणी में कहते हैं, दुल्लो बण्या रे निरवा हो, दुल्लो बण्या रे निरवा सिंगाजी बाबा, दुल्लो बण्या रे निरवा Thank you.
की ओर समाधि दी जाती है। अब यहीं पर समाधि के 3 महीने बीते और 3 महीने के पश्चात अगर समाधि के बाद भी किसी को दर्शन दिया है तो वह ग्राम छिरवा के ब्राह्मण देवता को दिया है। यही ब्राह्मण देवता, यही श्याम विप्र जिसकी भैंसे कहीं खो गई है, तो भैंसों को ढूंढते ढूंढते वही श्याम विप्र जंगल में जा रहे हैं और गुरु साम्रत का ध्यान भी कर रहे हैं। आज जिस ही ध्यान गुरु महाराज के चरणों में गया तो आज वही स्वयं समर्थ सिंगाजी महाराज इस श्याम विप्र के हृदय में मानो प्रकट हो गए हैं। यह विप्र देवता कितने सरल होंगे, कितने सहज रहे होंगे कि आज इन्होंने गुरु महाराज का ध्यान किया और वह स्वयं प्रकट हो गए। क्योंकि भगवान और गुरु उसी को मिलते हैं जो निष्कपट होता है। सरल सुभावन मन कुटिलाई, तिनके हृदय बसही रघुराई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनके हृदय दम्ब नहीं माया, तिनके हृदय बसही रघुराया। आज वह श्याम विप्र देवता कितना सरल रहा होगा कि भैंसों को ढूंढ भी रहा है और गुरु साम्रत का ध्यान भी कर रहा है।
इससे हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कर्म हम कुछ भी कर रहे हो, हमारे हाथ कर्म करते हैं, पांव चलते हैं, आंखें देखती है, पर हमारी जीवा तो हर समय फुर्सत में बैठी रहती है। इस जीवा से अगर राम का नाम नहीं बुलवाया तो यही जीवा संसार की चुगली करेगी, संसार की निंदा करेगी, संसार का बिगाड़ा करेगी यही जीवा। तो आज श्याम विप्र का ध्यान जैसे ही सिंगाजी महाराज के चरणों में गया, तो आज समर्थ सिंगाजी महाराज समाधि के 3 महीने बाद भी प्रकट हो जाते हैं। दिव्य नाद व्योम में गूंजने लगा, सतकोटि सूर्य और सतकोटि चंद्र का प्रकाश विद्यमान होने लगा। क्या स्थिति रही होगी उस समय ब्राह्मण देवता की, जिनके सामने गुरु साम्रत स्वयं प्रकट हो गए और आज उनसे बात भी करते हैं। चंदन केसर का तिलक लगाया हुआ, सफेद वस्त्र धारण किए हुए, गले में तुलसी की माला है, आज ऐसी आभा चमक रही है और श्याम विप्र से बात भी करते हैं गुरु महाराज। पर आज वही श्याम विप्र जान नहीं पाता कि गुरु महाराज बोल क्या रहे हैं। अब जी से ही गुरु महाराज सामने प्रकट हुए, दर्शन किया, भाव विभोर हो गया और यही ध्यान भटक जाता है, पुनः अपनी भैंसों की ओर ध्यान चला गया, पीछे मुड़ करके देखा, अरे मैं तो अपनी भैंसों को यहाँ पर ढूंढने आया था, पर भला मेरी भैंसें कहाँ चली गई। अब जैसे ही मन गुरु से हटा संसार में लगा तो गुरु महाराज कोई टिकने वाले हैं, गुरु साम्रत अंतर ध्यान हो गए। श्याम विप्र ने पुनः मुड़ करके देखा, गुरु महाराज कहाँ गए, गुरु महाराज तो भैया अंतर ध्यान हो गए। आज श्याम विप्र बहुत रोता है, बहुत करुणा करता है, सिर को पटक पटक कर क्षमा याचना करता है। मेरे सामने स्वयं गुरु महाराज प्रकट हुए, पर मैं अभागा उनके चरण भी नहीं छुपाया, वह मुझे क्या कह रहे थे मैं सुन भी नहीं पाया, उनकी बात पर मैंने ध्यान नहीं दिया और माया के वशीभूत होकर के अपने मन को इन भैंसों में लगा लिया। मेरे भाई बहनों, यह संत बाघ के भौरे हैं और आप और हम सभी कीचड़ में पड़े हुए भौरे हैं। यह बाघ के भौरे क्यों आते हैं, हमें जगाने के लिए ही तो आते हैं। एक समय एक बाघ का भौरा था और एक भौरा कीचड़ में पड़ा हुआ था। बाघ के भौरे ने गोबर के भौरे से कहा कि सुन हे भौरे, मैं भी काला और तू भी काला, मेरे भी डंक हैं और तेरे भी डंक हैं, मैं भी उड़ता हूँ तू भी उड़ता है, तेरे भी पंख है और मेरे भी पंख है, पर अंतर केवल इतना है कि मैं बाग में बसेरा करता हूँ और तू इस गोबर में पड़ा हुआ है, चल मेरे साथ चल, मैं तेरा हाथ पकड़कर ले चलता हूँ और तुझे बाग में ले चलूंगा। पर वही गोबर का भौरा पूछता, भैया मुझे बाग में नहीं जाना है, मुझे तो इस दुर्गंध में बड़ा आनंद मिलता है, मैं भला उस बाग में सुगंध में जाकर क्या करूंगा, वहां क्या लाभ होगा। तो वही बाग के भौरे ने कहा कि सुन कीचड़ के भौरे, वहां पर तेरा उद्धार होगा, वहां पर तुझे मोक्ष मिलेगा। अच्छा मोक्ष कैसे मिलेगा, तू मेरे साथ चलेगा, बाग में विचरण करेगा, किसी फूल के ऊपर बैठकर उसका रस लेगा, फिर वहां पर पुजारी जी आएंगे, पुजारी जी फूल को तोड़ेंगे, फूल के साथ हे भौरे तुझे भी तोड़ करके ले जाएंगे और भगवान के चरणों में तुझे चढ़ा देंगे, समर्पित कर देंगे। तो कीचड़ का भौरा कहता, उसके बाद क्या होगा,
भगवान के चरणों में चढ़ जाऊंगा फिर क्या लाभ होगा। तो वही बाघ का भौरा कहता है, भैया संध्या काल का समय होगा, निर्माल्य को निकाला जाएगा, फिर सवेरा होगा, उस फूल के साथ तुझे भी उठाया जाएगा, या तो गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाएगा या नर्मदा जी में प्रवाहित कर दिया जाएगा, तो उस फूल के साथ साथ तेरा भी उद्धार हो जाएगा। तो मेरे भाई बहनों, यह संत महापुरुष इस संसार में मनुष्य बनकर के क्यों आए, नर लीला क्यों करी है सिंगा जी महाराज ने, हमारे जैसे कीचड़ में पड़े हुए भौरों को सुधारने के लिए, कि देखो तुम भी मनुष्य हो, मैं भी मनुष्य ही बनकर के तो इस संसार में आया, मैंने कैसे भक्ति करी, तुम भी इसी प्रकार से भक्ति करो और अपने निर्वाण के, अपने मोक्ष के द्वार को खोल दो। तो आज वही श्याम विप्र को जगाने के लिए गुरु महाराज प्रकट हुए, पर मन माया के वशीभूत हुआ तो गुरु महाराज अंतर ध्यान हो गए, बहुत रोते हैं, अपने गांव में गए, गांव के लोगों को सारी बात बताई, पर गांव के लोगों ने विश्वास नहीं किया। अरे समाधि के 3 महीने बाद गुरु महाराज प्रकट होंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। गांव के पटेल से जाकर के कहा, पटेल ने भी विश्वास नहीं किया। जब बार बार रुदन करते हैं यही श्याम विप्र देवता, तो सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए और आज वहां जाते हैं जहां पर गुरु सामरत सिंगा जी महाराज प्रकट हुए थे, जिस शिला के ऊपर प्रकट हुए थे। आज श्याम विप्र ने कहा, भैया विश्वास नहीं हो तो इसी शिला के ऊपर गुरु सामरत प्रकट हुए थे। आज श्याम विप्र रो रहे हैं, करुणा में डूबे हुए हैं। इस संसार को इतना बड़ा प्रमाण दिया गुरु महाराज ने कि जिस पत्थर की शिला पर प्रकट हुए, उसी पत्थर की शिला के ऊपर, उसी चट्टान के ऊपर सिंगा जी महाराज के पगलिया के निशान अंकित हो जाते हैं। और इस संसार में सिंगा जी महाराज के पगलिया ही तो पूजा रहे हैं, उनकी गुरु संपदा की तस्वीर है, पर सिंगा जी महाराज की संसार में कहीं कोई तस्वीर नहीं है, उनके तो चरण ही पूजा रहे हैं, उनके तो चरण ही पूजनीय है। हमारा गुरु चरण में गंगा, कोई नहाओ रे लूला पंगा, क्योंकि सिंगा जी महाराज के चरण में ही गंगा है, इसीलिए उनके चरण, उनके पगलिया संसार में पूजनीय हो गए हैं। आज लोग भाव विभोर हो गए, परिक्रमा करते, अश्रुधारा बहाते, नारियल खोपरा द्रव्य भेंट चढ़ाते और बार बार क्षमा याचना करते और मस्तक टिकाते। धन्य हो गुरु सामरत, अरे श्याम विप्र को आपने प्रत्यक्ष दर्शन दे दिया और हमारे जैसे अभागे जीवों को आपका दर्शन तक नहीं हुआ, पर आपके पगलिया मिल गए, यह भी हमारा भाग्य है। आज भी हम सिंगा जी महाराज के दर्शन करने जाते तो वहां पर हम किनके दर्शन करते, पगलिया के ही तो दर्शन करते हैं, और वही पगलिया के दर्शन करने मात्र से हमें आभास हो जाता है कि सिंगा जी महाराज के दर्शन हो चुके हैं। इसी प्रकार से आज यहाँ पर स्वयं गुरु महाराज प्रकट होते हैं, जय जयकार करने लगे, बोलिए सामरत सिंगा जी महाराज की जय हो। मेरे भाई बहनों, लोग तो गुरु को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते, पर आज श्याम विप्र को ढूंढने के लिए सदगुरु स्वयं चल करके आ गए। यह भी तो जन्म जन्म का पुण्य ही होता है, नहीं तो हम जीवन भर बिता देते हैं पर हमें सदगुरु कहीं मिलते नहीं है। एक समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, जो काली माता के अनन्य भक्त हुआ करते थे, रोज काली माता उनके सामने प्रकट होती थी
और वह अपने हाथ से काली माता को भोजन करवाते थे। एक दिन वही राम कृष्ण परमहंस जी के द्वार पर एक संत पधारे, एक सदगुरु पधारे, जिनका नाम होता है संत तोतापुरी। तोतापुरी ने कहा कि चलो राम कृष्ण मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दूंगा। वही राम कृष्ण परमहंस जी ने कहा कि आप हमें ब्रह्म ज्ञान देंगे? अरे हमारे सामने रोज काली माता प्रकट होती है, मेरी माँ ही मुझे ब्रह्म ज्ञान दे देगी। तोतापुरी संत ने कहा जाओ अपनी माँ से पूछ करके आना, क्या तुम्हारी काली माता तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दे सकती है। वही राम कृष्ण परमहंस जी जा रहे हैं काली माता के पास, भोग बनाकर तैयार किया। माता रानी प्रकट होती है। आज यही राम कृष्ण परमहंस जी ने पूछा कि माता आज मेरे द्वार पर एक संत पधारे, और संत ने कहा कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दूंगा। पर हे माता, तुम तो सर्वशक्तिमान हो, आदि देवी हो, आदि शक्ति हो माता, तो क्या तुम मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकती? उसी समय माता काली ने कहा नहीं पुत्र, मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकती। आज राम कृष्ण परमहंस जी ने कहा कि माता मैंने जीवन भर तुम्हारी सेवा करी, जीवन भर तुम्हें भोग लगाया, इसका तो कोई फल नहीं है। काली माता ने कहा हे मेरे पुत्र, तूने जीवन भर मेरी सेवा करी, जीवन भर मुझे भोग लगाया, इसी का तो यह फल है कि सदगुरु को तुझे ढूंढने नहीं जाना पड़ा, सदगुरु स्वयं तेरे द्वार पर चल कर के आ गए। पारस में और संत में बहुत अंतरो जा, पारस तो सोना करे और गुरु करे अपने समा। तो आज यहाँ पर इस श्याम विप्र के लिए गुरु साम्रत स्वयं चल करके आ गए, पर यह भैंसों के लिए माया के बीच पड़ गए। हमारे संत गाते हैं, हो कि एक दिन जानू रे माया का लोभी, यहाँ नहीं रहनू रे।